इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और साथ ही साथ मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने अपने नए रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी है और ये रेस्टोरेंट उन्होंने भारत में नहीं बल्कि यूरोप में खोला है। दरअसल नीदरलैंड की राजधानी में सुरेश रैना ने अपने नए रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी है। उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। साझा तस्वीरों के साथ उन्होंने खुद खाना बनाते हुए खुद की तस्वीर को भी शेयर किया। इसके अलावा उन्होंने कैप्शन में बड़ा भावुक कैप्शन लिखा और लोगों का धन्यवाद किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अब भारतीय खाने को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि सुरेश रैना को खाने बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। क्रिकेट में जिस तरीके से वो अपने बल्ले से और अपनी फील्डिंग से लोगों को काफ़ी चौंकाते हुए नजर आते थे, उसी तरीके से स्वादिष्ट खाने के साथ भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं और कई बार फैंस को इस बात की अपडेट भी देते हैं कि भाई वो क्या कुछ बना रहे हैं, क्या कुछ आज उनका प्लान है और खाने बनाने की तस्वीरें वीडियोस काफ़ी ज़्यादा शेयर करते रहते हैं। सुरेश रैना खुद भी कई बार इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि उन्हें खाना बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। क्रिकेट को जिस तरीके से वो प्यार करते हैं उसी तरीके से खाना बनाना भी उनका एक प्रेम है। बहरहाल इसको लेकर ही सुरेश रैना ने अब सुरेश रैना रेस्टोरेंट की शुरुआत कर दी है। उन्होंने नीदरलैंड की राजधानी में एक नया होटल खोला है और इसकी बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी हो रही है, मैं आपके साथ ये खबर साझा कर रहा हूँ जहाँ मैंने नीदरलैंड की राजधानी में एक नया अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि अब यूरोप में भी स्वादिष्ट खाने का स्वाद और साथ ही साथ भारतीयों के बीच भारतीय खाना हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि मेरी इस यात्रा में आप मेरा साथ दें। लगातार हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि भारतीय खाने को भारत के बाहर रह रहे लोगों तक पहुंचाया जा सके। सुरेश रैना ने एक लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा। इसके अलावा उन्होंने होटल के स्टाफ के साथ भी कुछ तस्वीरों को साझा किया। साथ ही साथ उन्होंने खुद सबसे पहले शेफ वाली ड्रेस पहनी और उसके बाद वह खुद किचन में जाकर के खाना बनाते हुए भी नजर आए। सुरेश रैना की बात करें तो साल 2020 में 15 फरवरी को महेंद्र सिंह धोनी के बाद उन्होंने उसी दिन शाम को रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके अलावा सुरेश रैना आईपीएल खेलते हुए नजर आए। 2021 तक उन्होंने आईपीएल खेला लेकिन उसके बाद से वह आईपीएल से बाहर चल रहे हैं। वहीं अगर सुरेश रैना की बात करें तो इस वक्त रिटायरमेंट ले चुके हैं अपने क्रिकेट करियर के बाद। अब वह पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, कई सोशल मीडिया पर अपडेट्स भी देते रहते हैं। साथ ही क्रिकेट में वह रोड सेफ्टी सीरीज और अन्य कई लीग्स भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रैना की बात करें तो कमेंट्री में भी हाथ आजमा रहे हैं और कई बड़े मैचेस के अंदर आईपीएल के अंदर उन्हें कमेंट्री करते हुए देखा गया था। आपके जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।